चुनाव आयोग के द्वारा 8 चरणों में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्माने लगी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की इस गर्मी का कुछ कुछ धधक दुमका जैसे झारखंड के उन जिलों पर भी पड़ सकता है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से सटी है। दरअसल दुमका जिला और इसके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल का इलाका नक्सल प्रभावित है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर तलाशी अभियान जारी रहने की स्थिति में नक्सलियों और अन्य अपराधियों का पलायन दुमका जिले की तरफ हो सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन अभी से एक योजना बनाकर अपराधियों को इस तरफ आने से रोकने में जुट गया है। चुनाव को लेकर के सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ने पर बहुत संभव है कि वहां जो नक्सली है या दूसरे अपराधी है वो दुमका जैसे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर के वहां से अपनी योजना बनाए हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि वो ऐसा करने से उस नक्सलियों को या अपराधी संगठनों को रोकेगी, क्योंकि चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दोनों राज्य की टीमें जो पुलिस की बल हैं वो इस पर एकजुट होकर के कार्रवाई करेगी ताकि किसी प्रकार से कोई हिंसा का वातावरण कहीं भी तैयार न हो सके। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।